गाइस एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस फाइनली हमारी सिविक के ऊपर मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो गए। टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो रहने वाला है। तो हाँ गाइस, आज हमारी सिविक पे हम लोग गेजेस इंस्टॉल करने वाले हैं। आज वाला गेज जो है वो है वोल्ट मीटर का गेज। ऐसे तीन गेजेस मेरे पास पड़े, वोल्ट मीटर, RPM मीटर, वैक्यूम गेज मेरे पास है। मैं क्या करूंगा, RPM मीटर का शायद से बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, आप जस्ट कमेंट करके बता दीजिए। क्योंकि मैंने जेन में भी RPM मीटर का बनाया था तो सेम वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि RPM मीटर का नहीं बनाओ। तो भी आप कमेंट करके बताइए, तीन गेज का चाहिए तो तीन गेज का ही बना सकता हूँ, एक ही वीडियो में नहीं बना सकता क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो एक एक करके हम लोग बनाएंगे। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय www.zx7.com। ZX7 आपकी स्किल्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जॉब दिलाने में हेल्प कर सकता है। बाकी सारी डिटेल्स आपको वीडियो के एंडिंग में मिल जाएंगे, तभी तक के लिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वोल्ट मीटर गेज इंस्टॉल करने वाले हैं और बोसला के LED लाइट्स इंस्टॉल करने वाले हैं जो मेरे पास आ चुके हैं। तो बोसला को मैंने बोला था कि मुझे इसमें भी LED लाइट्स चाहिए, क्योंकि पहले वाले जो फिट थे वो मेरे थे H4 और अभी जो है इसका H9 या H11 समथिंग फिट है। तो उन लोग ने सेंड कर दिया, वो भी आ गया है, वो भी इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा वोल्ट मीटर गेज अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ हमारे पास मीटर है, ये है CN स्पीड की तरफ से। तो मैं क्या करूंगा, ये सारी जो भी चीजें मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थोड़ा पैकेजिंग खराब हो गया एक्चुअली, एक दो बार मैंने खोला इसकी वजह से थोड़ा खराब हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ हाई परफॉर्मेंस, हाई क्वालिटी एंड फास्ट एंड फ्यूरियस। तो अभी मैं इसको अनबॉक्स करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ गेज है, इसमें आप क्लियरली अंदर आप देख नहीं सकते हो अभी क्योंकि इसके अंदर बैकलिट लाइट्स लगते हैं। इसका जो ग्लास है ऊपर का ये पूरा टिंटेड है। इसके बाद गाइस अंदर आपको एक छोटा सा मैनुअल मिल जाता है जिसमें आपको देख सकते हो इन लोग कौन सा गेजेस बनाते हैं, ऑयल वाटर टेम्परेचर, उसके बाद है वोल्ट मीटर, उसके बाद है ऑयल प्रेशर गेज। तो हम लोग को इसमें जो है वोल्ट मीटर गेज को रेफर करना है। तो वोल्ट मीटर में इन लोग ने सब दिया हुआ है कि कैसे कनेक्शन करना है, क्या करना है, वो सब तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कनेक्शन करना है आपको। ये बार कनेक्शन जो एकदम सिंपल करने वाला हूं मैं, क्योंकि सिविक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको आ जाता है, इसलिए मैं ये बार सोचूंगा कि एकदम प्रॉपर एकदम सिंपल वे में आपको बता दूं कनेक्शंस, ताकि आपको झंझट भी ना हो और प्रॉपरली इंस्टॉल भी हो जाए। आप ये जो गेजेस है ना सभी गाड़ी में लगा सकते हो, सभी गाड़ी का सेम है। वो क्या पता चलेगा आपका बैटरी कैसा है, बैटरी कितना वोल्टेज दे रहा है, अगर आप खड़े हो, लोअर स्टार्ट किया आपने या फिर म्यूजिक सिस्टम चला रहे हो आप, तो आपको पता चल जाएगा कि वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, तो आपकी गाड़ी चालू होगी या नहीं चलोगी। इंस्टॉल करने के दो टाइप्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिलर माउंट, ये पिलर माउंट भी आता है, बट फिलहाल के लिए मैं पिलर माउंट नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि क्या कर रहा हूँ एक छोटा सा पॉड वाला इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्कुलर पॉड में इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये सब फिटिंग्स दिए हुए हैं और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वाला इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि अलग सा लुक आए थोड़ा। नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा, अगर जब भी सब मीटर्स मेरे लग जाए तो उसके बाद पिलर माउंट करूंगा मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसा कुछ यहाँ पे लगाने वाला हूँ मैं, दूसरा यहाँ पे लगाऊंगा और तीसरा थोड़ा उसके पीछे लगाने वाला हूँ, तो प्रॉपरली मुझे दिखेगा। और मैं ऐसा इंस्टॉल करने वाला हूँ कि मुझे क्लियरली दिखे, क्योंकि मैं ही हूँ जो ये सब चीजें देखने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे कुछ लाइट्स है हमारे बोसला के। सबसे पहले हम लोग ये इंस्टॉल कर देते हैं, मैंने इसीलिए मंगाया था कि अभी मॉनसून भी आ चुके हैं और मुझे ये नॉर्मल लाइट्स में इतना कुछ ज्यादा दिखेगा नहीं, जब भी फॉग होगा या कुछ होगा तो क्लियरली विजिबल नहीं रहेगा, तो मैंने ये मंगवाया। और ये सिर्फ हम लोग लगाने वाले हैं हमारे लो बीम पे, हाई बीम पे नहीं लगाएंगे, हाई बीम पे शायद मैं दूसरा कोई लाइट लगा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये व्हाइट कलर है, ये वार्म येलो है, ये येलो है और ये वार्निंग फ्लैश है। तो ऐसे चार मोड्स आपको मिल जाते हैं ये लाइट में, पहले ही बता देता हूँ मैं। इसका फर्स्ट 4 कलर LED है जो बहुत ही ज्यादा इनसेन है। और देख सकते हो गाइस ऐसे दो लाइट्स आपको मिल जाते हैं, एक लेफ्ट साइड के लिए, एक राइट साइड के लिए, और यहाँ पे इन लोग का पूरा कंट्रोल मॉड्यूल सब दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बोसला के जो लाइट्स है वो इंस्टॉल करने वाले हैं हमारे होंडा सिविक में। एक साइड मैंने इंस्टॉल कर दिया, बट अभी सेकंड साइड का मैं आपको बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये आप देख सकते हो ये मड फ्लैप भी आपको पूरा निकालना है, रूज निकलेंगे। तो ये पूरा निकालने के बाद यहाँ पे आप अंदर देख सकते हो, आप देख सकते हो ये सॉकेट दिया हुआ, ये सॉकेट ही हमारा लो बीम का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमें जस्ट सॉकेट निकालना है और हमारे जो बोसला के लाइट्स है वो इंस्टॉल करने हैं। सो गाइस एकदम इजी इंस्टॉलेशन है, बोनेट खोल के आप नहीं कर सकते हो ये चीज, आपको यही चीज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ ये इंस्टॉल कर देता हूँ। अगर आपको इंस्टॉलेशन करना नहीं आता तो मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हो LED लाइट्स वाले, उसमें मैंने बताया कि कैसे इंस्टॉल करते लाइट्स, जस्ट आपको डालना है और फिक्स कर देना है, बस दैट्स इट, और कनेक्शन कर देना है। मैं आपको लाइट्स बता देता हूँ। तो ये है हमारा पहला मोड, तो ये आप देख सकते हो ये हल्का येलो हो चुका है। अभी तीसरा मोड आप देख लीजिए, तो आप देख सकते हो ये कंप्लीट येलो। फोर्थ मोड दिखा देता हूँ मैं आपको, तो आप देख सकते हो ये ब्लिंकिंग मोड है। ब्लिंकिंग जो मोड है ये हमारे जेन में नहीं था, क्योंकि जेन में हाई बीम भी एक ही था, लो बीम भी एक ही था। तो एक ही लाइट में जो H4 होता है उसमें ये ब्लिंकिंग मोड नहीं है। हमारे में कैसा, ये लो बीम है, ये हाई बीम है। तो हाई बीम के वजह से हमें ये ब्लिंकिंग मोड में मिल गया है, जो रात को हमें काम आएगा। अगर देख सकते हो एक बार मैं आपको इसका वायरिंग डायग्राम समझा देता हूँ। तो दो जो वायर्स आप देख रहे हो, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का, ये लाइट्स के लिए, लाइट्स का जो कनेक्शन है वो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे ये जो नट बोल्ट है इसमें माइनस लिखा हुआ है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये गेज बताएंगे मतलब कितना
मतलब कितना वोल्टेज है वो बताएंगे, और ये दो वायर जो है वो लाइट्स का है। बट हम लोग ने क्या किया, ये दोनों को मिक्स मैच कर दिया है, विदाउट लाइट्स ये दिखने नहीं वाला, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट मिक्स मैच कर दिया है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, और इसका वायर बहुत ही ज्यादा लंबा किया हुआ मैंने, क्योंकि कनेक्शन करना पड़ेगा। तो ये होल्डर में इसको लगा देते हैं, और नीचे आप देख सकते हो एक छोटा सा होल दिया हुआ जिसमें से हम लोग वायर निकाल देंगे, और जैसा कनेक्शन करना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि कैसे इसमें कनेक्शन करना है। आप देख सकते हो ये प्रॉपरली हम लोग ने लगा दिया, हल्का सा डबल साइड अंदर टेप लगाया ताकि ये प्रॉपरली स्टिक हो। बाहर आप देख सकते हो दो ब्लैक वायर्स आ चुके हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, डबल साइड टेप इन लोग ने दिया हुआ है पहले से ही, जो हम लोग इस पर स्टिक करने वाले हैं। तो ये प्रॉपरली स्टिक हो चुका है, और ये मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ एकदम प्रॉपर वे में। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम प्रॉपरली फिट कर दिया, अगर मैं सेट कर सकता हूँ चाहे तो ऊपर ले सकता हूँ चाहे नीचे। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल किए थे, मतलब यहाँ पे कम्प्लीटली इंस्टॉल कर दिए थे, बट यहाँ से निकाल दिया क्योंकि वायर कम्प्लीटली पीछे से लेना पड़ रहा था, और यहाँ पे होल विल कहीं कर नहीं सकते क्योंकि अच्छा नहीं दिखता था। तो हम लोग ने क्या किया है, एक यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ड्राइव करेंगे तो मेरे को ये गेज भी दिख जाएगा, और नेक्स्ट दो गेजेस है उसका मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा पाइप लगाया ताकि ये वायर जो है ना खराब ना दिखे। तो ये छोटा सा पाइप आप कोई भी शॉप से ले सकते हो, ऑटोमोटिव स्टोर से, और वायर है उसको कम्प्लीटली मैंने अंदर से यहाँ पे जो सील है इसका यहाँ से लिया हुआ है, कम्प्लीट जो है नीचे से निकाला हुआ है। नीचे से निकाल के आपको अभी वायरिंग कैसा करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वायरिंग कम्प्लीट कैसा करना है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रॉपरली दिख रहा है, आप देख सकते हो ये 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया हुआ है, जो सिगरेट लाइटर पोर्ट भी आप बोल सकते हो। तो उसमें हम लोग कनेक्शन करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ढक्कन रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ लेड रहता है जो यहाँ पे लगता है। आपको क्या करना है, जो स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा निकालना है उसको बाहर, और बाहर निकल जाएगा वो। उसके बाद जस्ट आपको हाथ अंदर डालना है, यहाँ पे आप देख सकते हो हाथ अंदर डालोगे तो आपको एक सॉकेट मिलेगा, जो ये सॉकेट मैंने बाहर निकाल कर रखा है वो सॉकेट मिलेगा, जो पावर आउटलेट का सॉकेट है। तो सॉकेट में हम लोग क्या करने वाले, आप अगर वायर चाहिए तो आप कट भी कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा छील भी सकते हो, या पीछे भी आप कनेक्शन कर सकते हो वायर का। तो हम लोग अभी क्या करने वाले, हल्का सा वायर छीलने वाले। कंप्लीट वायरिंग हो चुका है, तो एक बार पीछे से लुकआउट चेक कर लो, और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसका जो सॉकेट है वो प्रॉपरली इसमें लगा दिया है, और वायरिंग सब प्रॉपर कर दिया है मैंने। अभी क्या करता हूँ, मैं इसका जो लिड है वो बंद कर देता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बंद करते हैं इसे। देख सकते हो ऐसा कुछ लॉक्स का सिस्टम दिया हुआ है जो आपको निकालना है। तो आप देख सकते हो ये लॉक हो चुका है प्रॉपरली, और एकदम फिट हो चुका है। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार मैं आपको एटमोस्फेयर लाइट्स चालू करके दिखा देता हूँ। तो देखो तो लाइटर पोर्ट है, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसमें कुछ इश्यू नहीं है। और हमारा वोल्ट मीटर आप चेकआउट कर लीजिए कि कितना मस्त दिख रहा है, और आप देख सकते हो लुक तो बहुत ज्यादा सही है, और ये वर्क भी प्रॉपरली कर रहा है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये वर्किंग कैसा कर रहा है। आप इसका वर्किंग देख सकते हो, इसका वोल्ट्स कितना दिखा रहा है, इट्स समथिंग अराउंड 13 to 14। एक बार मैं चाबी बंद कर देता हूँ, तो चाबी बंद कर दिया, अभी ऑन, तो डायरेक्ट आप देख सकते हो 14-15। अभी मैं थोड़ा सा ब्लोअर स्टार्ट कर देता हूँ, ये ब्लोअर मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैं FM भी स्टार्ट कर देता हूँ, कम वॉल्यूम कर देता हूँ थोड़ा। तो इसका वोल्ट्स कितने पर ड्रॉप डाउन हो गया, इट्स समथिंग अराउंड 12 to 13। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सभी चीज बंद कर देता हूँ। मैंने ब्लोअर बंद कर दिया, FM बंद कर दिया मैंने, तो आप देख सकते हो वोल्ट्स बढ़ चुका है। और अभी मैं क्या करता हूँ, इंजन स्टार्ट कर देता हूँ। इंजन स्टार्ट होने पे 14 के ऊपर जा रहा है, मतलब हमारा अल्टरनेटर भी एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन लोगों का ब्रांडिंग है CN स्पीड, और यहाँ पे वोल्ट्स लिखा हुआ है। मैं इसका ऊपर का फिल्म निकाल देता हूँ ताकि ये और क्लियरली दिखे आपको। तो आप देख सकते हो गाइस कितना प्रॉपर दिख रहा है, और एक बार ऑन कर देता हूँ सभी चीजें। Trying not to parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence. Can't time आ चुके हैं, और आप देख सकते हो इसका इल्यूमिनेशन कितना मस्त दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मीटर्स एंड गेजेस ऑल बहुत ज्यादा सही दिखते हैं अगर आप नॉर्मली राइड कर रहे हो। तो आप फ्लैशिंग मोड आपको दिखा देता हूँ मैं। सो गाइस ऐसा कुछ हमारा फ्लैशिंग मोड दिखता है। तो ये अभी मैंने नॉर्मल से ग्राउंड में लेकर आकर दिखा दिया है। तो आप देख सकते हो एकदम लंबे तक जाता है बीम जो है आपको थोड़ा सा कम लगेगा क्योंकि ये लो बीम है। तो लो बीम में आपके इस हिसाब से आपको पावर मिलेगा, हाई बीम जितना पावर नहीं मिलेगा। तो हाई बीम आप देख सकते हो हमारा, तो लो बीम में भी अच्छा खासा ये पावर दे रहा है। ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, और ये हमारा लास्ट। एक्चुअली मेरे को पर्सनली तो ये वाला ज्यादा पसंद है क्योंकि व्हाइट गाड़ी में येलो लाइट्स बहुत ज्यादा कूल लगते हैं। तो गाइस अगर आप बाहर से एक बार ये डार्क मोड देखोगे तो बहुत ज़्यादा कूल लगेगी कार। अभी थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा हो गया इसके लिए थोड़ा इशू हो रहा है, नहीं तो गाड़ी आगे से बहुत ज़्यादा कूल लगती है। इन रियल लाइफ अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा सही लगती है।
हर स्किल्स एक जॉब अपॉर्चुनिटी डिजर्व करता है, बट उसके बाद भी स्किल्स के हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं होती कि कितनी कंपनीज है, उनमें कौन कौन से पोस्ट है और कैसे अप्लाई करें। इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन ZX7 के पास है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, ZX7 को आपकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। ZX7 का एक्सपर्ट आपका एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाएगा आपकी स्किल्स के हिसाब से, आपके प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए। एक्सपेक्टेशन क्या क्या है, सैलरीज, ग्रोथ, इंडस्ट्री और वो सब चीजें आपका रिज्यूमे कंपनी में अप्लाई करेगा। अगर आप स्टूडेंट है तो ZX7 आपकी इंटर्नशिप और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब ढूंढने में हेल्प करेगा। ZX7 को ज्वाइन करें और उनका वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ज्यादा डिटेल्स के लिए ZX7 के ऑफिशियल वीडियो को आप देख सकते हो। और एक चीज मैं बनाने का सोच रहा हूँ, हाउ टू प्रोटेक्ट योर कार और टेक केयर ऑफ योर कार ड्यूरिंग मॉनसून, तो वो वीडियो भी मैं सोच रहा हूँ बनाने का। आप एक बार कमेंट करके भी बता सकते हो कि वो वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। ये साल मैंने बाइक्स के ऊपर बनाया था, बट ये साल मैं सोच रहा हूँ कि कार्स के ऊपर भी बना लूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंडिंग ऑफ माय वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डू वॉच इट आउट, देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।